हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है आप सभी के लिए खुशखबरी को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए एक और नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, 11,334 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और इसको लेकर जानकारी भी दी गई है कि किस तरीके से आपका चयन होगा। अगर बात की जाए आपकी परीक्षा के बारे में या फिर इसके अलावा आवेदन और एग्ज़ाम के बारे में, डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। दोस्तों, इन दिनों शिक्षक भर्तियों को लेकर बहुत सारी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं और ये सभी के सभी जो अपडेट हैं वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती हैं आपके पड़ोसी राज्य के माध्यम से। एक बार फिर से आप सभी के सामने बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बिहार के माध्यम से एक बड़ी भर्ती के विज्ञापन जारी करने की तैयारी की जा रही है और ये आपको देखने के लिए मिलता है। हाई स्कूल और प्लस टू के अंदर 11,000 से अधिक हेडमास्टर की जो भर्ती का विज्ञापन है वो निकाला जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए प्रदेश के सरकारी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11,334 पदों पर हेडमास्टर की जो नियुक्ति है वो आपको देखने के लिए मिलेगी और इसका जो विज्ञापन है वो भी यहाँ से जल्द जारी किया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि पिछली जो भर्ती से पद रह गए थे उसके बारे में बताया गया है कि 5,334 पद पुरानी भर्ती के खाली थे और वर्तमान में 6,621 पदों पर जो नियुक्ति के लिए जो चयन प्रक्रिया भेजी गई थी उसमें से सिर्फ 421 ही पद भरे थे, बाकी के सारी पद खाली रह गए थे। ऐसे में अब उन दोबारा पदों को भरने के लिए कुल मिलाकर 11,334 पदों पे जो विज्ञापन है वो निकाला जाएगा और इस भर्ती का जो विज्ञापन निकाला जाएगा वो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगा। इसमें आप सभी के सामने जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी वो लिखित परीक्षा यानी कि OMR बेस्ड आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। लिखित का मतलब रिटिन नहीं है, बस उसको लिखित लिखा जाता है, यानी कि आपकी जो परीक्षा होगी वो OMR बेस्ड ही आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर बात की जाए इसके आवेदन के बारे में तो जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक इस भर्ती को लेकर जल्द ही अध्याचन भेजे जाएंगे शिक्षा विभाग के माध्यम से BPSC को और उसके बाद में BPSC लगभग एक हफ्ते के अंदर इसका विज्ञापन निकाल देगा। यानी कि मान लीजिए अगर इसके जो अध्याचन है वो अगले सप्ताह भेज दिए जाते हैं तो फिर इसका जो विज्ञापन होगा उसके अगले सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि BPSC के माध्यम से बहुत जल्द भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं और वो बिल्कुल भी किसी भर्ती में देरी भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में इसको लेकर भी उम्मीदें मानकर के चलिए कि दिसंबर तक इसका विज्ञापन आप सभी के सामने होगा। फिलहाल अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं योग्यता चयन प्रक्रिया के बारे में तो मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बना लूँगा, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।